मोकामा में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मतदान की तैयारी की गई। आपको बता दें कि सभी 408 मतदान केंद्रों पर अर्धसैनिक बलों की तैनाती के बीच मतदान की प्रक्रिया जारी है। इस दौरान मतदाताओं में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। भागलपुर के कहलगांव और सुल्तानगंज विधानसभा में पहले चरण का मतदान शुरू हो चुका है। इस दौरान कहलगांव विधानसभा के मध्य विद्यालय के बूथ नंबर 10 और 11 समेत सुल्तानगंज के कई बूथों पर तकरीबन आधा घंटा देर से मतदान शुरू हुआ। वहीं इस दौरान मतदाताओं का थर्मल स्क्रीनिंग किया जा रहा है। भागलपुर के चुनावी मैदान में गोड्डा से भाजपा सांसद निशिकांत दुबे पूरा दमखम दिखा रहे। इस दौरान वे विपक्षी उम्मीदवारों पर जमकर निशाना साध रहे। वहीं निशिकांत दुबे ने इस बार बीजेपी को वोट देने की अपील की। ऐसा नहीं हुआ ना कि अजय मंडल जी तुरंत सांसद बने और मैंने कहा और जादू की छड़ी की तरह हो गया। सारी चीजें पाइपलाइन में थी और पाइपलाइन में जैसे मैं आपको बताऊं कि मैं तो संजोग ये है कि गोड्डा की जनता ने मुझे तीन बार मौका, मैंने 2011-12 में गोड्डा हसदिया रेल लाइन का शिलान्यास किया, पहले टर्म में, दूसरा टर्म भी था, अब तीसरे टर्म में जो है अब मौका मिलेगा मुझे दिसंबर में उसका शिलान्यास, क्योंकि मैं तीन बार जीत गया तो मुझे मौका मिला कि मैंने शिलान्यास भी कर दिया और मैंने उद्घाटन भी कर दिया। सहरसा में जन अधिकार पार्टी की चुनावी कार्यालय का उद्घाटन किया गया। इस दौरान प्रदेश उपाध्यक्ष हरिहर गुप्ता सहित पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। वहीं कल से जाप उम्मीदवार रंजन प्रियदर्शी के समर्थन में घर घर जाकर वोट मांगने की अपील की जाएगी। गया में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए जिला प्रशासन ने काफी दिलचस्प तरीका अपनाया है। दरअसल मतदान के बाद सेल्फी प्रतियोगिता के अंतर्गत 5 बेहतरीन सेल्फी लेने वाले लोगों को पुरस्कार दिया जाएगा।